हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुष्मान होम्योपैथी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन के बारे में। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर को तो बहुत ज्यादा ध्यान से ट्रीट किया जाता है, उसके लिए प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, बहुत बड़ा वरी का इशू माना जाता है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि लो ब्लड प्रेशर को आप लोग सब बहुत ज्यादा इग्नोर करके चलते हैं, इसको कैजुअली लेकर चलते हैं। लेकिन असलियत में अगर ऐसा किया जाए तो लो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉजेस, ट्रीटमेंट्स, प्रिकॉशंस एंड ए टू जेड मिथ्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे आपके लिए दो बहुत काम की चीजें आने वाली हैं। पहला, एक छोटा सा लेकिन बहुत कारगर नुस्खा, और दूसरा, लो ब्लड प्रेशर का ही एक ऐसा अचूक कॉम्बिनेशन जो दवा अगर आप रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो आप इस समस्या को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर देखते रहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं लो ब्लड प्रेशर है क्या। देखिए, 90/60 मिलीमीटर्स एचजी जब हमारा ब्लड प्रेशर आता है, यानी कि सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक प्रेशर जब हमारा 90 और 60 आता है, ऊपर का 90 नीचे का 60, इससे कम जो भी ब्लड प्रेशर की श्रेणी होगी वो सब लो ब्लड प्रेशर में आएगा। और इस चीज में हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज्यादा डेंजरस रूप भी धारण कर सकता है। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है? देखिए, अगर आपको हर समय थकान बनी रहती है, आलस आता रहता है शरीर में, कोई काम करने का दिल नहीं करता, घर में सब काम पड़ा हुआ है लेकिन फीमेल्स आके बोलती हैं कि उठने का ही दिल नहीं करता, या फिर अगर मेल फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि हम ऑफिस में किसी भी काम पर, किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते अपनी, उसी के साथ अगर कभी भी उठते बैठते एकदम से आपको हल्का चक्कर आने लगे, या आपको उल्टी वाला मन होता हो, नौजिया वाली फीलिंग होती हो, या बहुत ज्यादा थकान और लेथार्जी, डलनेस हर समय बनी रहती हो, दोस्तों आपको इमीडिएटली ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर चेक करवाना चाहिए। आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्या मिथ्स हैं। यूजुअली लोग लो ब्लड प्रेशर को सीरियसली लेते ही नहीं है। 99% पेशेंट्स जो मेरे पास क्लिनिक्स में आते हैं, कंसल्ट करते हैं, वो कहते हैं मैडम ये तो नॉर्मल है, अच्छा है ना कि हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, वो ज्यादा डेंजरस होता है, लो ब्लड प्रेशर में क्या है, थोड़ी बहुत कमजोरी है, मैं खा पी लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात समझिए कि अगर आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे लो ब्लड प्रेशर रहता है, आपका हार्ट बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता है, ब्रेन और बाकी पूरी बॉडी में हर सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर कम है तो ब्लड वहां तक हर जगह पहुंचकर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। इससे धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में डैमेजेस आ सकते हैं, आपका ब्रेन, आपका हार्ट ओवर फंक्शन करेगा, वहां पर भी डैमेज की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। कभी भी लो ब्लड प्रेशर को इग्नोर मत कीजिए। मैंने क्यों कहा ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि अगर इसको इग्नोर किया जाए और एकदम किसी दिन चक्कर आ गया, बहुत ज्यादा इंजरी हो गई, आप गिर सकते हैं, आपको फेटल इंजरी लग सकती है, आपको बहुत ज्यादा चोट आ सकती है, और इसलिए कभी भी लो ब्लड प्रेशर को इग्नोर मत कीजिए। एक और मिथ यूजुअली जो लोगों में प्रेवलेंट है वो ये है कि लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं मुझ में। मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूं कभी भी किसी प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट करने, और वहां वो चेक करते हैं तो लो आता है, बट एज सच कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है। और एक दूसरा मिथ है साथ के साथ कि 40-45 साल तक लो ब्लड प्रेशर हो भी रहा है तो क्या परेशानी है, उसके बाद सोचेंगे। ये दोनों मिथ्स ही आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। प्लीज अवेकन योरसेल्फ, एनलाइटन योरसेल्फ। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से हाई ब्लड प्रेशर डेंजरस है, उसी तरीके से लो ब्लड प्रेशर भी डेंजरस है। लो ब्लड प्रेशर ये दिखा रहा है कि आपका हार्ट एफिशिएंटली, इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान देना है। और अभी जैसे मैंने बताया, बहुत केसेस में जब लो ब्लड प्रेशर को इग्नोर किया जाता है, कभी अगर गिर गए, चक्कर आ गया, एकदम से उल्टी हो गई, कोई ऐसी परेशानी हो गई, तो फेटल इंजरी से डेथ तक हो सकती है। बहुत केसेस में होता है ऐसा, तो उस सिचुएशन तक क्यों लेकर जाना है अपने आप को? वर्स्ट केस सिनेरियोज में क्या हो सकता है? अगर बहुत ज्यादा सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया
तो शॉक की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसमें कि ब्रीदिंग एकदम रैपिड हो जाएगी, पल्स तेज हो जाएगी और साथ के ही साथ में आपकी पूरी स्किन जो है वो ठंडी पड़ जाएगी। ये कुछ प्रिलिमिनरी सिम्टम्स होते हैं शॉक के। अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम फील हो रहा है इमीडिएटली ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, यू नीड एन इमीडिएट अटेंशन। आइए दोस्तों अब ये जानते हैं कि क्या कॉजेज होते हैं ब्लड प्रेशर लो होने के, यूजुअली क्या चीजों पे हमें गौर करना चाहिए। कॉजेज की अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर में तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी कम पीते हैं, आप ऐसा इंसान है जो डेली में दिन में एक या दो ग्लास भी पानी नहीं पी रहे हैं, आपको प्यास ही नहीं लग रही है और उस केस में आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन से सफर करेगी तो भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर आप में विटामिन की कमी है और खासकर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जिन लोगों में होती है उनमें लो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा एसोसिएटेड देखा जाता है, तो हमेशा अपना विटामिन B12 भी ट्रैक करके रखिए। तीसरे नंबर पे आता है अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं या आप कोई किसी भी बीमारी के लिए बहुत स्ट्रांग मेडिकेशंस लेते हैं, अगर आप अल्कोहल रेगुलर और डेली बेसिस पर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई हार्ट इश्यूज हैं, अगर हार्ट की कोई भी बीमारी है या आप किसी भी तरह की एलर्जी से या डिजीज से, क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, साथ के साथ में अगर आपको थायराइड है या आपको डायबिटीज है, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके साथ में यूजुअली लो ब्लड प्रेशर को एसोसिएटेड देखा गया है। कई स्ट्रांग मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स की फॉर्म में भी लो ब्लड प्रेशर को साथ में देखा गया है। तो जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दीज कॉजेस कि अगर ऐसा कुछ है तो इसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अदरवाइज लो ब्लड प्रेशर आपको साथ में एक और एसोसिएटेड कंप्लेन की फॉर्म में मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आइए अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा लेकिन बड़े काम का नुस्खा। दोस्तों अगर आपका हीमोग्लोबिन कम आया है, आपने ब्लड टेस्ट कराया है और हीमोग्लोबिन कम डायग्नोज हुआ है, तो आज से ही कंज्यूम 1 banana a day, रोज 1 केला जरूर खाइए और इसी के साथ में हर अल्टरनेट डे पे थोड़ा सा गुड़ और भुना हुआ चना जरूर खाइए। दिन में कभी भी आप आधा कटोरी भुना हुआ चना एंड 1 piece बड़ा पीस गुड़ या जैगरी जिसे हम कहते हैं वो कंज्यूम कीजिए, एंड 1 banana तो यू हैव टू कंज्यूम एवरी डे। ऐसा करने से दोस्तों आप देखेंगे कि काफी जल्दी आपको अपने हीमोग्लोबिन में सुधार देखने को मिलेगा। ये जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं ये ब्लड फॉर्मेशन को इम्प्रूव और एनहांस करती। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि हमें कैसे प्रिवेंशन टेक्निक्स अपनानी है अगर हमें लो ब्लड प्रेशर है, क्या क्या चीजों का हमें खास ध्यान रखना है। पहले नंबर पर जो आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आप लो ब्लड प्रेशर से सफर करते हैं तो जब भी आप लेटे हुए हैं आपको एकदम से झटके से खड़े नहीं होना है कभी भी। पहले करवट लीजिए, करीब 30 seconds तक वेट कीजिए, उसके बाद में जस्ट सिट डाउन बैठ जाइए, अगेन 30 seconds तक वेट कीजिए, उसके बाद में खड़े होइए। दोस्तों अगर आप इमीडिएटली खड़े हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर लो होता है तो आप ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से सफर कर रहे हैं और इसमें आपको चक्कर आने की और गिर जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, तो इसलिए पहले लेटना है, बैठना है, उसके बाद में ही खड़े होना है। दूसरे नंबर पर जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि भारी वजन नहीं उठाना है आपको कभी भी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आप भारी सामान खिसकाएंगे नहीं, आप एकदम भारी भरी हुई बाल्टी नहीं उठाएंगे, इन चीजों का आपको हमेशा अपनी डे टू डे रूटीन में बहुत ध्यान रखना है। अपने बेड का जो हेड है उसको थोड़ा सा रेज करके रखिए, इससे भी आपको लो ब्लड प्रेशर की सिचुएशन में बहुत आराम देखने को मिलेगा। बहुत सारा विटामिन B12, विटामिन सी, आयरन कंज्यूम कीजिए अपनी डाइट्स में। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कंप्लीट विटामिन B12 के बारे में, प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगी और उससे आपको बहुत सारे ऐसे आइटम्स मिलेंगे जिसमें आयरन और विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ के साथ ध्यान रखिए कि आपको बहुत सारा पानी कंज्यूम करना है, यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो कभी भी। तो इसके लिए कम से कम 8 से 10 glass वाटर आपको डेली बेसिस पर कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हो सके कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस कीजिए अपने डाइट में, यानी कि रोटी और चावल बहुत ज्यादा ना खाकर उसकी बजाय हरी पत्तेदार सब्जियों पे, फ्रूट्स पे, दही पे, पनीर पे, इन चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए, इससे भी आपको लो ब्लड प्रेशर में आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो और जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं उसमें एक चीज तो ये है कि लंबे समय तक एक ही पोजीशन में खड़े मत रहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि पैरों में खून ज्यादा जमा हो जाता है और वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता है और इसकी वजह से ये आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है कि आपको खड़े रहना है, थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूर करते रहिए।
इसी के साथ इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपका ऐसा काम है कि आपको बहुत लंबे लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक खड़ा रहना ही पड़ता है, तो जस्ट वेयर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ये बाजार में बहुत इजीली मिल जाते हैं। इसको पहनने से जो है ब्लड इकट्ठा नहीं होता पाँव में और पूरी बॉडी में एक यूनिफॉर्म तरीके से सर्कुलेट होता रहता है। साथ ही दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी बहुत हैवी मील्स एक साथ मत खाइए, छोटी छोटी मील्स थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंसी के बाद में खाते रहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा हैवी खाना एक ही बार में खा लेते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि सारा बॉडी का ब्लड और एनर्जी उसी को डाइजेस्ट करने में लग जाती है और फिर जो हमारे और वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको उतनी खून की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि अगेन हम और कई समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना है, हल्की मील्स खानी है। बैठते समय क्रॉस लेग्स करके बैठना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये देखा गया है कि इससे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। खान पान में नमक को शामिल कीजिए। शिकंजी हो गई, सलाद के ऊपर नमक डाल के खाया, दही में रायता बनाकर उसमें नमक डाल के खाया, तो क्योंकि इससे सॉल्ट देखा गया है कि वाटर को भी रिटेंट करके रखता है बॉडी में, तो उससे बेसिकली आपको जो लो ब्लड वॉल्यूम से रिलेटेड समस्या है वो नहीं। तो हर बीमारी की तरह लो ब्लड प्रेशर में भी डाइट का और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको लो ब्लड प्रेशर है तो आप वॉक नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। अब आपको दो घरेलू नुस्खे बताती हूँ, होम टिप्स, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है अगर आपको लो ब्लड प्रेशर होता है। 10 किशमिश और 2 अंजीर रात को थोड़े से पानी में सोक करके रख दीजिए। सुबह उसको निकालकर 1 कप बड़े कप दूध में डालकर 5-7 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए और एज सच उसको कंज्यूम कीजिए। चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है। अगर आप ऐसा रेगुलर बेसिस पे करते हैं रोज, तो आपको अपनी लो ब्लड प्रेशर की समस्या में बहुत सुधार मिलेगा। दूसरा घरेलू नुस्खा है दालचीनी की चाय। थोड़ा सा दूध लीजिए, थोड़ा सा उसमें पानी डालिए, मींस 2 parts ऑफ मिल्क आई शुड से एंड 1 part ऑफ वाटर ओनली। इसको बॉईल होने पर इसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए और थोड़ी सी सौंफ ऐड कर दीजिए। 5 मिनट तक इसको बॉईल कीजिए एंड बॉईल करने के बाद में इसको छान कर सीव करके इसमें आप 1/2 चम्मच शहद मिलाकर कंज्यूम कीजिए, गर्म चाय की तरह। अगर आप रेगुलर डेली ऐसा करते हैं, यकीन मानिए आप खुद मुझे बताएंगे आपके लो ब्लड प्रेशर में बहुत फर्क है। दोस्तों जो हमारी इंडियन हर्ब्स हैं जैसे सौंफ, अजवाइन, जीरा, ये सारी हर्ब्स जो है, साथ में हल्दी को मैं मेंशन करना भूल गई, तो ये सब जो है ये हमारे ब्लड को बहुत एनहांस करते हैं, ब्लड फॉर्मेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो इनका एक काढ़ा बनाकर रेगुलर बेसिस पे पिया जा सकता है। ये वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखेगा और अगर आपको थायराइड या शुगर संबंधी समस्याएं हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अ पिंच ऑफ आप ले सकते हैं अजवाइन, अ पिंच ऑफ जीरा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सौंफ, इनको आप 1 से 1.5 glass पानी में अच्छे से उबाल लीजिए, छान कर इसको आप कंज्यूम कीजिए, आपको मैनी फोल्ड फायदा देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अपने लास्ट सेक्शन में हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें एक बहुत ही अचूक नुस्खा है, नुस्खा कहिए या इसे एक सुपर कॉम्बिनेशन कहिए, जब भी लो ब्लड प्रेशर हो आप उसको ले सकते हैं, रेगुलर बेसिस पर भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों हमें 2 mother tinctures लेने हैं, जिसमें एक है कैक्टस का मदर टिंचर, एक है क्रेटिगस का मदर टिंचर। ये दोनों दवाइयां दोस्तों हार्ट के टॉनिक्स के रूप में होम्योपैथी में जानी जाती हैं, हार्ट को स्ट्रेंथन अप करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करती हैं। इन दोनों के टॉनिक्स की आप इन दोनों के मदर टिंचर्स की एक एक बॉटल ले लीजिए और साथ में ही रेक्वेक का एक 44 number आता है। अगेन आई कैन से इट इज अ वेरी गुड कार्डियक टॉनिक। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर रहता है आप कैक्टस मदर टिंचर, क्रेटिगस मदर टिंचर एंड R44 ये सब अपने पास घर में रखिए। 10 ड्रॉप्स आपको इन तीनों की 1/2 cup पानी में मिलानी है और सुबह और रात 2 बार कंज्यूम करनी है। आप रेगुलर बेसिस पर 1 महीना इसको कीजिए, 1 हफ्ते का बीच में ब्रेक दे दीजिए, उसके बाद में अगेन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको रेगुलरली लो ब्लड प्रेशर नहीं रहता है, वंस इन अ वाइल कभी देखने को मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कॉम्बिनेशन अपने पास जरूर रखिए। जब भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या ऐसा कुछ फील हो रहा है आप इमीडिएटली इसकी डोज बनाकर कंज्यूम कीजिए। उस समय आप दिन में 3 बार तक भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। एक और दवा आती है दोस्तों एसिड फॉस 30 potency में, और इसके फायदे तब हैं जब आपको बहुत ज्यादा वीकनेस और डेबिलिटी महसूस हो। अगर लो ब्लड प्रेशर के साथ में आपको सुपर डेबिलिटी की प्रॉब्लम है कि इतनी ज्यादा कमजोरी है कि आप उठ तक नहीं पा रहे हैं, उस सिचुएशन में आप एसिड फॉस कंज्यूम कर सकते हैं और 10 ड्रॉप दिन में 3 बार ही लेनी है, वो आपको बहुत ही कमाल का रिजल्ट देगी।
डिजिटलिस 30 भी एक हार्ट टॉनिक के रूप में होम्योपैथी में जानी जाती है। एक कंस्ट्रिक्शन वाली फीलिंग हो, घबराहट सी, बेचैनी सी अगर लो ब्लड प्रेशर के साथ रहती हो तो डिजिटलिस 30 को कंज्यूम किया जा सकता है। तो दोस्तों सिम्टोमेटिकली अगर हम बात करें तो बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में, लेकिन मैंने जो आपको ये एक कॉम्बिनेशन बताया है कैक्टस क्यू, क्रेटिगस क्यू एंड R44, दिस इज अ सुपर कॉम्बिनेशन जो मुझे एक मेरे क्लिनिक्स में 100% रिजल्ट देता है एज फार एज लो ब्लड प्रेशर इज कंसर्न। आज ही इन मेडिसिन को लेकर आइए, जब इतनी इजीली आप ट्रीट कर सकते हैं अपने आप को तो वाई सफर, एज आई ऑलवेज से, मेडिसिन मार्केट से लेकर आइए। आप ऑर्डर करके मुझसे भी ये मेडिसिन मंगवा सकते हैं। मेरा वेबसाइट का एड्रेस है www.ayushmanhomeopathy.com। मैंने अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप व्हाट्सएप या कॉल कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेडिसिन के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों अपनी डाइट का, अपने खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इस पूरी वीडियो में मैंने आपको कॉजेज बताए हैं, टिप्स बताई हैं, घरेलू नुस्खे बताए हैं, प्रिकॉशंस बताए हैं एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुपर्ब होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं। तो दोस्तों आज ही सोच लीजिए कि लो ब्लड प्रेशर को अवॉइड नहीं करेंगे और इस समस्या का निदान करेंगे, क्योंकि जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था लो ब्लड प्रेशर को इग्नोर किया तो होगा जानलेवा, तो आज के बाद में इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोस, टेक केयर एंड बाय बाय।